तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, सॉरी. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर. स्वागत है करते रहते हैं। और हाँ, तो स्वागत नहीं करेंगे मेरे व्यूवर को. तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने घर वापस ससुराल. और ये ड्यूटी से डायरेक्ट हमें लेकर यहाँ आए हैं. कपड़े भी इसने चेंज नहीं किए हैं, देख लीजिए. मैंने बोला कि कपड़े चेंज कर लीजिए, लेकिन इन्होंने कपड़े चेंज नहीं किए. तो देखिए मेरा मेरा रूम, मैं फिर से आ गई हूँ अपने घर. और यहाँ पहुँच कर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत काफ़ी बहुत मतलब इधर उधर बहुत हो गया. अब फाइनली सोच रही हूँ कि कुछ दिन तक यही टिके रहूँ. कब तक वो पता नहीं. तो यहाँ पर श्रेयस मेरा मिंत्रा का पार्सल अनबॉक्सिंग करा था. बहुत सारे पार्सल आए हुए थे, लेकिन मैंने बोला बस इसी को खोलो. तो बस मैंने इसमें एक सूट मंगाया था, तो अच्छा था, ठीक लगा. जैसा दिखाया गया था वैसा ही था. अभी बज रहे Day हैं 2। आठ, 8:30. सची ड्यूटी चले गए हैं, बाबू लोग भी स्कूल चला गया है. और मैं लेके आ गई हूँ अपना चाय. और देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर का नज़ारा. बहुत बारिश हो रही है. बनी बनी, देखिए हमारा बनी कितना सुंदर कपड़ा पहना, सुंदर सुंदर कपड़ा पहना है ना बनी. मैंने गुस्सा हो गया. मैं आपको दिखा, कल से ये बारिश वाला मौसम किया है और अभी तक ऐसे ही है. आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर, यहाँ नीचे देखिए. सूरज का कहीं आता पता नहीं. हाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन चेन्नई का तो हाल आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही है, देखा ही है कि कितना बुरा हाल हो रखा है. और मेरा मिट्टू 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 मिट्टू, ए मिट्टू मिट्टू गुस्सा हो गया. हाँ ए मिट्टू मिट्टू बोलो. इसे भूख लग रही है, मैं इसे रोटी दे के आती हूँ. हाँ, मेरी बेटी सुबह से ही अपनी बड़ी मम्मी के पास में चिपक गई है और गोदी से उतर ही नहीं रही है. वो जहाँ जा जा रही है उसी के साथ में घूम रही है. तो हमारा ब्रेकफास्ट लगभग बन चुका है. खा दूँ आपको, ये है हमारा आलू और फूल गोभी का सब्जी, और इसमें रोटी है. जनरली हमारा नाश्ता यही होता है. और मैं मिट्टू को दे देती हूँ रोटी. आज मैंने गुड़ वाली चाय बनाई है. बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ कि मेरा वजन काफ़ी बढ़ गया है. पहले मैं 48-49 केजी की थी, लेकिन अब हो गई 53-54. जैसे कि अगर मैंने खाना नहीं खाया तो हो जाती हूँ 53 केजी की, और खाना खा लिया तो 1 केजी वेट मेरा गेन हो जाता है, यानी 54 केजी की जाती है. तो सोच रही हूँ 3 से 4 केजी वेट लॉस करो, लेकिन मुहूर्त नहीं निकल रहा है. पता नहीं कब निकलेगा. चाय पीना तो छूट ही नहीं रहा है, और चाय जब तक नहीं छूटेगा वो हो नहीं सकता है. देखती हूँ क्या करती हूँ.
और देखिए मेरे बाल कितने रफ हो गए हैं, 2 दिन से मैंने अपने बालों को वॉश नहीं किया है। A few moments later. क्या लगाई मेरे शोना? चश्मा? किसका चश्मा लगाई बेटा? मम्मी दीदी। दीदी का तो चश्मा नहीं है, देखिए मेरी बेटी। शोना को चश्मा लगा के मम्मा को मम्मा के पता आ गई है। ये छुंदा छुंदा दिख रही बेटा है ना? आता नहीं गिरा दी। अच्छा पहन लो, पहन लो मम्मा, पहन आ जाएगी बेटा। ये बनाई पहन लो देखिए। अरे मैया बहुत अच्छे से पहन ली ना। ओ फ्लाइंग किस दे दो, हाय बोल दो, हाय फ्लाइंग किस दो। इसको ऐसे पहनो ये हाँ। अच्छा वैसे नहीं पहनेगी। अच्छा ला एक मिनट रुको, ला ला मामा की कर देगी। तो इधर इधर आओ ना। मेरी बेटी ए लिखना सीख गई है, तो वो हर जगह ए ही लिखते रहती है। क्या हो गया? लिखो, नहीं पकड़ने जा रही है। अच्छा ठीक है। मम्मा हालत देखिए, मैंने अभी तक सो के उठा और बिस्तर नहीं उठाया है। और मैं A few inches later. दूध बोतल धो करके मैंने यहाँ पे अभी रख लिया है। ये देखिए ऐसे मैं अच्छे से बॉईल कर लूंगी। और अस्तुति का भी गाय वाला दूध आ गया है, ये बॉईल हो रहा है। अब मैं जाती हूँ फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। टाइम अभी हो रहा है 11 बजने जा रहा है। स्तुति ने नाम ब्रेकफास्ट कर लिया है, सबने कर लिया है, सिर्फ हम मनीषा दी बचे हुए हैं। तो चलिए फटाफट से नाश्ता करती हूँ। तो मैं करने जा रही हूँ नाश्ता, और देखिए मेरे नाश्ते में क्या है। ये आलू फूलगोभी का सब्जी, ये रात वाला अंडा, और ये है एज यूजुअल मेरी चाय, और ये 2 रोटी, और ये अचार। And a half hours later. अभी बज रहे हैं शाम के 7:45 और हम लोग पीने जा रहे हैं शाम की चाय। मैंने अभी बनाया था मैगी, हम लोगों ने मैगी खा लिया है, अब चाय पियेंगे, उसके बाद शाम का डिनर का प्रिपरेशन शुरू करेंगे। और थोड़ा सा मैं चिपकू चिपकू दिख रही होंगी, क्योंकि आज मैंने अपने आंखों पर काजल नहीं डाला है। तो कोई नहीं, तो ये सचिन ड्यूटी से आ गए हैं और चाय एंजॉय कर रहे हैं। और इधर मेरी बेटी हाँ बोलो, हेलो क्या टाइम मना दी थी, क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं, याद नहीं करती है मतलब। हेलो गाइस, मैं एक बार फिर से आ गई हूँ अपने किचन में, और अभी बज रहे हैं रात के 9:45, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर हूँ आलू और सोयाबीन का सब्जी। ये देख, मैं आलू सोयाबीन का सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मीन्स मैं हमेशा इसे इसी तरह ही बनाती हूँ, सिंपल। आलू को बॉईल कर लेती हूँ, जिसे मैंने यहाँ चढ़ा दिया है, दो सीटी आने वाला है, बंद कर दूँगी। और ये है और अब इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद यहाँ मैंने रेडी कर लिया, ये देखिए तेज़पत्ता, प्याज और थोड़ा सा खड़े गर्म मसाला है। इसे फ्राई करके हल्का मसाला देकर के भून भान के फिर मैं इसे हल्का इस पानी देके से बना लूँगी। आप कमेंट करके बताइए कि आप आलू सोयाबीन का सब्जी कैसे बनाना पसंद करते हैं और आपको कैसे अच्छा लगता है। Day 2. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल रात को मैंने ऐसे ही बंद कर दिया था अपना मोबाइल, अच्छे से एंड नहीं किया था, और सडनली मेरी बेटी बहुत रो रही थी।
तो मैंने वो खाना भी नहीं खाई और ऐसे सो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉगिंग करना कल रात को भूल गई थी। तो अभी बज रहे हैं 10:05 और हम लोग आज सुबह उठ गए थे कितना बजे, 7:30 बच्चे ड्यूटी चले गए हैं, मेरी बेटी ने भी नाश्ता कर लिया, बाकी लोगों ने भी नाश्ता कर लिया है, सॉरी मैं और मनीषा जी बचे हुए हैं। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसे यहीं करती हूँ और अच्छे से रहिएगा ईश्वर की दया से। और चेन्नई जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ के लोग तबाह हो रहे हैं इस बारिश में, जिसका असर यहाँ भी है, हमारे झारखंड में भी है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल आज तो बारिश रुकी हुई है। आई होप कि आज धूप निकले, पता नहीं क्योंकि कपड़े सब नहीं सूख रहे हैं जिससे बहुत दिक्कत हो रही है। तो खैर ये सब तो चलता ही रहता है, हम लोग अच्छे से रहें, आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।